आप खुश नहीं हैं? क्यों नहीं? लेकिन माजी की तलख यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। बाबा नाराज हैं? वो तो जाहिर है, अब उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके बेटे किस अजीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। बाबा नहायत गुस्से में हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैं अपने भाइयों के गुनाह में उनका शरीक न था। कितना तुम लोगों से कहा था कि तौबा कर लो, कितना कहा था कि हकीकत बताकर मुझे इस गम अंदोह से निजात दे दो। हम जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं और हमने अपने भाई के साथ बहुत ही बुरा किया है। इसके बावजूद हम आपसे बख्शिश के तलबगार हैं। तुम लोगों से ज्यादा भी दुनिया में कोई बेरहम और सितमगर होगा? तुम लोग पहले खुदावंद से तलब बख्शिश करो, ना कि मुझसे। अगर हमें जलील और रुस्वा होने का खौफ ना होता तो हम पहले ही एतराफ़ गुनाह कर लेते। आपकी नफरीन का खौफ हकीकत बयान करने में हायल रहा था, बगर न हम जरूर बता देते। खुदावंद तो तुम्हारे अमाल से आगाह था। मैं कहता हूं, आखिर खलवत में बारगाह खुदावंदी में अपने गुनाहों से तौबा क्यों नहीं की? ये पैराहन पहचानते हो? ये यूसुफ का वही खून आलूद कुर्ता है। इसे मैंने इसी दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ था कि जिस दिन तमाम हकीकत बरबला हो जाएगी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बाबा पर ये क्या सितम ढाया है? तुम लोगों ने तो कहा था कि यूसुफ को भेड़िए खा गए, तो अब क्या हुआ? बोलो, चुप क्यों हो? यूसुफ तो जिंदा है। तुम लोग यूसुफ की सरवरी और बर्तरी के माने होना चाहते थे ना? इरादा खुदाबंदी से टक्कर लेना चाहते थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? यूसुफ ने हमें बख्श दिया। आप भी अगर अपने बड़ेपन से हमें माफ फरमा दें तो यकीनन खुदावंद भी हमसे दरगुजर फरमाएगा। तकरीबन 40 साल तुम लोगों ने मुझे रंज दिया, अब यूं एक दफा ही में तलब मगफरत करके बख्शिश की तवक्को रखते हो? जाओ, चले जाओ। अब जब तक कुछ अरसे इंतजार की अजियत नहीं झेल लेते, मैं तुम लोगों को हरगिज नहीं बख्शूंगा। यानी आप इन लोगों को कभी नहीं बख्शेंगे? ये लोग आसानी से माफ कर देने पर माफी की कदर नहीं जान पाएंगे। ऐसा ना हो कि खुदा भी इन्हें माफ ना करे।
बिन्यामीन, तुम बाबा के ज्यादा नजदीक हो, हमारी सिफारिश नहीं करोगे? क्या मुझे सिफारिश करनी चाहिए? हम जानते हैं तुम भी अपने भाई की जुदाई में तड़पते रहे हो, लेकिन आखिर हम भी तो तुम्हारे भाई हैं। क्या चाहते हो? तुम लोगों ने जिस तरह मेरे दिल का खून किया है और जितना मुझे खून के आंसू रुलाया है, तो अब मुझसे इतनी जल्दी बख्श जाने की तवक्को मत रखो। शायद कभी वक्त गुजरने के साथ मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ जाए। बाबा, मैं हूं बिन्यामीन। अंदर आ जाओ। बाबा, मैं इनकी सिफारिश के लिए आया हूं। तुम किस तरह इनकी सिफारिश कर सकते हो? इनके वो मजालिम जो इन्होंने मुझ पर, तुम्हारे भाई पर, खुद तुम पर लिया और दूसरों पर ढाए हैं, उन्हें तुम क्यों कर भुला सकते हो? जहां तक मुझे याद पड़ता है, आपने हमेशा मेरे भाइयों के इस गुनाह को अदावत और शैतानी वसवसों का नतीजा गिरदाना है। तो क्या शैतान के हाथों खिलौना बन जाना कोई छोटा गुनाह है? शैतान की इताअत करना पैगंबर ज़ादों के लिए काबिल माफी है या निहायत सख्त सजा का मुतकाजी है? चले जाओ, फिलहाल तो चले जाओ मेरे सामने से। जाओ। तकरीबन 40 साल में इनके सामने मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पता रहा, तुम्हारे भाई के फिराक में खून के आंसू बहाता रहा, यहां तक कि मेरी आंखें सफेद हो गईं, मेरी बिनाई चली गई, लेकिन इनमें से किसी को मुझ पर रहम ना आया। एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा मुझे सच बता देते तो मेरे सारे रंजो मसायब दूर हो जाते। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, अगर ये लोग इसरार ना करते तो मैं इनकी सिफारिश पे ना आता। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बाबा का ये रवैया तुम्हारे भाइयों की भलाई में ही है। बहरहाल, मैं खुदा का सिफारिश गुजार हूँ कि बिल आखिर ये फिराक खत्म हुआ। बाबा, रवानगी का हुक्म नहीं फरमाएंगे आप? भाई यूसुफ हमारे मुंतजर होंगे। क्या हमें मिस्र जाना होगा? जी, और अपनी तमाम आल औलाद और माँ साजो सामान की। भाई यूसुफ ने मिस्र का एक सरखेज खत्ता मिनफीस के नजदीक हमारी रिहाइश के लिए मुख्तस किया है। कल सुबह हम रवाना होंगे। कहो कि सामान सफर बांधें और रवानगी की तैयारी करें। सबको कह दो कि नया लिबास जेब तन करें और खुद को आरास्ता और मुरत्तब करें, ताकि यूसुफ को अकाबरीन मिस्र के सामने शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। मुबादा वो ताने दें कि तुम्हारी कौम कबीले के लोग मुफलिस नादार हैं। मैं समझ रहा हूँ बाबा, मुमकिन है कि वो हमारे जुहद को तंगदस्ती शुमार करें।
जाओ मेरे जान। किनान के लोगों के लिए ये बहुत सख्त है कि उनका पैगंबर उनसे जुदा हो जाए। अगर आप अपने गुमशुदा बेटे यूसुफ नबी की मुलाकात के लिए ना जा रहे होते तो हम आपको जरूर रोक लेते और हर किसी इतनी आसानी से ना जाने देते। ऐ नबी खुदा, हमारे लिए भी किनान और अपने दोस्तों से दूर जाना नहायत दुश्वार है, लेकिन वली खुदा का फरमान है, लिहाजा हमें इताअत करनी होगी। फिरौनों की सरजमीन के लोग यकता परस्ती से ना आशना है। शायद यूसुफ आईने इब्राहिम की तरवीज के जरिए चाहता हो कि मिस्र में आईने यकता परस्ती राज करे। उम्मीद करता हूं कि पैगंबर खुदा हमें फरामोश नहीं करेंगे और हमारे हक में जरूर दुआ फरमाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा ने कहा, खुदा आपका हाफिज नासिर। खुदा ने कहा, खुदा हाफिज है मेरे बैतुल हुस्न, मैं तुझसे विदा होता हूं। कैसे कैसे दिन और रातें मैंने यहां न गुजारी। ये हुजरा और ये दरख्त मुझे दुनिया की याद दिलाता है। हम में से हर शख्स सफर के दौरान कुछ अरसे मैं आराम की खातिर दरख्त के साये तले बैठता है और फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ता है। और अभी सही तौर पर अपनी इस आरजी अकामतगाह में आसुदा नहीं हो पाते कि मौत के हाथों इस नापायदार अकामतगाह को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। परवरदिगार, मेरे बेटों से खता हो गई, शैतान ने उन्हें फरेब दिया। मैंने अपना हक उन्हें माफ कर दिया, तू भी उन्हें बख्श दे। तू देख रहा है कि वो अपनी गुज़िश्ता खताओं की तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं, तू उनकी तौबा व अनाबत को कबूल फरमा। गो के उन्होंने तेरी तरफ पलटने में बहुत देर लगा दी है, लेकिन वो दिल बर्दाश्ता है। अगर छे देर से तौबा की है, लेकिन अब वो नादिम पशेमान है और तेरे दरियाए रहमत से बख्शिश की उम्मीद रखते हैं। उनके गुनाहों से दर गुजर फरमा। Oh, my God.
ऐसा हो सकता है कि एक बाप अपने बच्चों को कभी माफ ना करे? मैं तो बहुत पहले ही तुम लोगों के लिए तलब बख्शिश करना चाहता था, लेकिन डरता था कि तुम लोग जिस असीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हो, कहीं खुदावंद मेरी शिफात को रद्द न फरमा दे। मैं तुलुए सहर के इंतजार में था। सहर कबूलियत दुआ का वक्त है। मैं जानता था कि इन लहजात में खुदावंद मुताल मेरे दस्ते न्याज को रद्द नहीं फरमाएगा। हम पहुंच गए, वो मिस्र की सरहद है। रुक जाएं। आप लोग कौन हैं? कहां से आए हैं और कहां का इरादा रखते हैं? मेरे वालिद याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम और हम उनके बेटे और पोते हैं और किनान के बाशिंदे हैं और अजीज़े मिस्र से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। क्या आप लोग अजीज़े मिस्र से गंदुम खरीदने की गर्ज से मिलना चाहते हैं? नहीं, हम लोग अजीज़े मिस्र के अजीज व अकारिब हैं और उनसे मिलने की गर्ज से जा रहे हैं। और ये यूजारसी फहकीम के वालिद बुजुर्गवार हैं। अब क्या हो गया? हमेशा तो बड़ी आसानी से यहां से गुजर जाते थे। घबराओ मत, अभी पता चल जाता है। आपने फरमाया कि आप लोग अजीज मिस्र के अजीज अकारिब हैं। मैं जनाब यूजार सीफ हकीम का कासिद हूं। मैं यूसुफ का वालिद हूं और ये यूसुफ के भाई भतीजे और दीगर खानदान वाले हैं। आली जनाब, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं जैसे ही आपको देखूं फौरन जनाब अजीज मिस्र को मुत्तला करूं। बाउमीद दीदार। खुदा निगेदार, मेरे यूसुफ से कहना कि
क्या अभी शहर यूसुफ तक काफी रास्ता बाकी है? यहाँ से तिब्स तक 6 दिन की मुसाफत है, लेकिन तय ये पाया कि मिनफीस में हमसे मुलाकात करेंगे। यानी 6 रोज बाद में अपने यूसुफ से मिल सकूंगा? नहीं बाबा, 6 रोज में तो वो घुड़सवार पहुंचेगा। हम पैदल हैं, लिहाजा देर से पहुंचेंगे। हरकत करेंगे। क्या बात है, क्या काम है? मैं सूर्या की सरहद से आया हूँ और जनाब युजार सिफ के लिए एक इंतहाई अहम खबर लाया हूँ। मेरे साथ आओ। अनकरीब खुदावंद मताल के इरादे से कहत खत्म हो जाएगा और बारान रहमत के साथ ही फरावानी नेमत का आगाज भी हो जाएगा। सरहद सूर्या का एक मामूर शर्फ बारियाबी चाहता है। दुरूद बर खुदावंदगार मिस्र आले जनाब आखनातून। मोहतरम अजीज मिस्र, जनाब युजार सीफ हकीम की खिदमत में अर्ज है कि 6 दिन कबल आपके वालिद और भाई अपने अहले खाना के हमरा मिस्र की सरहद तक पहुंच चुके थे और अब तिब्स की जानिब गामजन है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो लोग कब तक यहाँ पहुंच जाएंगे? आले जनाब, यकीनन इतने सारे जानवरों और साजो सामान के हमरा, वो भी पैदल, तकरीबन अगले 3 दिन में वो तिब्स पहुंच जाएंगे। सिपाहगुजार हूँ, मसरूर गुन खबर थी। खुदा आपको खुश रखे। अब आप जा सकते हैं। जनाब युजारसीफ को तबरीक व तहनीत पेश करनी चाहिए कि वो इतने तवील अरसे बाद अपने बाबा और दीगर अहले खाना से दोबारा मुलाकात करेंगे। हम नहायत खुश हैं। सिपाश गुजार हूँ और अपने परवरदिगार का इस लुत्फ करम पर शुक्र गुजार हूँ। नबी खुदा को मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उनकी खुशी में नहायत खुश हैं। हम उम्मीद करते हैं कि याकूब नबी के मुबारक कदमों की बदौलत मिस्र को कहत से भी निजात मिल जाएगी। अगर इजाजत हो तो मैं अपने बाबा और भाइयों के इस्तकबाल के लिए जाना चाहूंगा। हौरमहूब, मुमकिन है जनाब युजारसीफ तकल्लुफात से परहेज की वजह से अपने बाबा और भाइयों के शाया निशान इस्तकबाल से इज्तनाब करें। लिहाजा ऐलान करा दें कि शहर भर में चरागा किया जाए और सब उनका पुरतपाक इस्तकबाल करें। इताअत आली जनाब। ज़ाग्रुद,
शहर भर में चरागा करने का अहतमाम करो और तमाम लश्कर मिस्र को याकूब पैगंबर और उनके दीगर कबीले वालों के इस्तकबाल के लिए आमादा करो। इताअत जनाब। याकूबे पैगंबर और उनके दीगर अहले खाना तिर्च तशरीफ ला रहे हैं। नासिफ के वालिद और खानदान वाले हमारे शहर तशरीफ ला रहे हैं। हमें उनके इस्तकबाल के लिए चलो जाना चलने की तैयारी करें। यूजार सीफ के अजीज व अकारिब हमारे अजीज व अकारिब हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनके इस्तकबाल के लिए जाएं। उनका पुरजोश इस्तकबाल करना हमारा फर्ज बनता है। 40 साल के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। यानी 40 साल से वो अपने वालिद से मिले ही नहीं है। मैंने तो यही सुना है। चलो उनके इस्तकबाल के लिए चलते हैं। चलो खबर कर दो, हमको उनके इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। हमें दिखाना है कि अहले मिस्र अपने मोहसिन युजार सीफ के कितने कदर शनास हैं। चलो चलें। देख रहे हैं बाबा, वो क्या पहाड़ हैं? नहीं बाबा, लेकिन नहीं, बज़ाहिर ये किसी इंसानी हाथ की महारत मालूम होती है। जी बाबा, वो 3 बड़ी तामीरात हैं जो मिस्र के 3 अजीम फिरौनों की कब्रों पर तामीर की गई हैं और दुनिया की अजीम तरीन तामीरात में शुमार होती हैं। क्या ये यूसुफ का शहर नहीं है? क्यों नहीं बाबा, ये शहर है तिप्स है। और ये जो उठता हुआ गुब्बारा आप देख रहे हैं ना, वो आपके इस्तकबाल करने वालों की आमद की वजह से है और वो लोग आप ही के इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। ये तो मेरा यूसुफ नहीं है। नहीं बाबा, ये यूसुफ के मुहाफिज़े आला जनाब रुदामून हैं।